एक बात तो आज सुप्रीम कोर्ट में तय हो गई कि जब हम ये बात करते थे कि इमरान खान को इंसाफ नहीं मिल रहा और एक मुतासिब जज ने बग़ैर सुने, बग़ैर हमारे गवाहान को मौका दिए कि हम अपने गवाह पेश कर सकें, हमें बग़ैर हक के दिफा दिए और वन साइडेड हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला कर दिया। आपको याद होगा आज भी इलेक्शन कमीशन और उसके वकील ने इस बात को एडमिट किया कि यकुम तारीख को, यकुम अगस्त को हमारी स्टेटमेंट होती है 342 की, हमसे पूछा जाता है, अदालत पूछती है कि क्या आप अपने हक में गवाह पेश करना चाहेंगे, हमने कहा जी हम पेश करना चाहते हैं। तो जनाब 2 तारीख रख दी गई 2 अगस्त, और हमने 2 अगस्त के दिन 12 बजे लिस्ट ऑफ विटनेसेस दे दी कि जनाब हमारे गवाह हम पेश करना चाहते हैं, और 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक हमें कहा गया कि आप 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर अपने गवाह ले आइए। उस वक्त तक ये मुतालिक भी थे, रेलिवेंट भी थे, और जज साहब का तासुब देखें, उन्होंने 1:30 बजे हमने दरख्वास्त दी कि जनाब हमारे गवाह कराची में हैं, मुख्तलिफ शहरों में हैं, उनको यहाँ पहुँचने के लिए कम से कम 1 दिन या 2 दिन का टाइम दे दीजिए। 1:30 बजे वो फरमा देते हैं कि नहीं ये रेलिवेंट ही नहीं है। भाई ये फैसला मुलजिम ने और पार्टी ने करना होता है कि कौन सा गवाह मुतालिक है मेरे केस से, कौन सा नहीं है। और हाँ, जज साहब को उस वक्त ये अख्तियार है कि जब वो स्टेटमेंट आ जाए और वो स्टेटमेंट को पढ़ लें, उस पर जिरा हो जाए, वो कहें हाँ ये पोर्शन रेलिवेंट है, ये नहीं है। और जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि हाई कोर्ट इसका फैसला करे, हाई कोर्ट ने 2 मरतबा उसके फैसले ख़त्म कर दिए, फिर 3री मरतबा कहा कि इनको सुन के फैसला कर लें। 5 तारीख को हाई कोर्ट के फैसले भी मौजूद थे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद था, और ख्वाजा हारिस हमारे जो सीनियर वकील थे उनके मुंशी को अगवा कर लिया। वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त देने आए कि जनाब ये मुंशी मेरा जिसके पास फाइलें हैं उसको ही गायब कर दिया गया। और उसके बाद वो जब अदालत में पहुंचते हैं वो कहते हैं आपको सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। और बड़ी अहम बात है कि आज अदालत ने सवाल किया कि क्या पाकिस्तान की तारीख में कोई एक केस बता सकते हैं कि 1 दिन के अंदर जब ना मुलजिम मौजूद है ना उसका वकील मौजूद है और उसको सुने बगैर उसको पूरी की पूरी सजा भी दे दी गई, उनके वकील साहब ना ही कोई एक मिसाल पाकिस्तान की तारीख में दे सके। अफसोस से कहना पड़ता है कि जहां बुनियादी हुकूक इस तरह मुअत्तल हो जाएं, जहां नाइंसाफी ना सिर्फ सामने नज़र आ रही हो, प्रिंसिपल है ना कि इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नज़र आए, यहाँ इंसाफ का कत्ल, नाइंसाफी ना सिर्फ हो रही थी बल्कि सबके सामने नज़र आ रही थी, जिसको आज इलेक्शन कमीशन और उसके वकील ने एतराफ़ किया अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये तो था आज आपके सामने एक केस का छोटी सी झिलकी, जो कुछ आपके सामने आज मीडिया के सामने ये सारी बातें हुई हैं। जब हम पिछले 1 महीने से मुस्तकिल ये कहे जा रहे हैं, और अफसोस की बात ये है कि इस तरह के सरकमस्टांसेस में केस जब जाता है 8 तारीख को, 7 को जमा हुआ 8 तारीख को, और उसमें हमने कहा कि आज ही आज जजमेंट को सस्पेंड कर दें, सेंटेंस को सस्पेंड कर दें, कहा गया कि जनाब 4 दिन में डेट आएगी, 17 दिन के बाद डेट आई और फिर उसको दोबारा एडजन कर दिया गया। बहरहाल हमें अदालतों से इंसाफ की तवक्को है। इमरान खान साहब और PTI का शुरू से एक ही उसूल और एक ही मुतालबा रहा है, एक ही स्लोगन रहा है, वो है रूल ऑफ लॉ, आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी, और अदलिया आज़ाद होनी चाहिए। ये है हमारा बेसिक प्रिंसिपल, हम इस पे बिलीव करते हैं। हम ये कहते हैं कि जजेस को कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, जजेस को इंसाफ करना चाहिए, जो कि इंसाफ का नीचे कत्ल हुआ। हुमायूं दिलावर साहब उस दिन इतना जल्दी में थे, 12 बजे कहते हैं मैंने फैसला रिजर्व कर रहा हूँ, 12:30 बजे 30 सफ़े उसकी डिक्टेशन भी देते हैं उनके बकौल,
उसको वो करेक्शन भी करते हैं, फिर उस पर टाइप होता है, दस्तखत होता है, वो 12:30 बजे आके अनाउंस करते हैं कि मैंने ये 30 सफ़े का फैसला आधे घंटे में लिख दिया। इससे जाहिर होता है या तो वो लिखा हुआ आया या इसका मतलब है वो पहले ही लिख के बैठे थे। यानी जहाँ आपको बुनियादी हक, ड्यू प्रोसेस और फेयर चांस ऑफ ट्रायल ना मिले और बगैर सुने पहला भी फैसला, दूसरा भी फैसला, तीसरा भी फैसला कर दिया जाए, तो वो कानून की नज़र में वो वॉइड ऑफ इनिशियो होता है, वो विदाउट लॉफुल अथॉरिटी होता है, वो गैर आइनी होता है, वो सस्टेन नहीं कर सकता। ये एक आस्पेक्ट था। दूसरा आस्पेक्ट, आज आप देख लें इस जो मौजूदा केयर टेकर सेटअप है, उस फासिस्ट हुकूमत की पसंद से आया हुआ, यानी शहबाज शरीफ और राजा रियाज साहब की चॉइस का, अब ये भी वही पॉलिसीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं जो शहबाज शरीफ की फासिस्ट हुकूमत ने पॉलिसियां रखी हुई थी। आज आपकी गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट की पोजीशन क्या है, और वो जो अरस्तू और अफलातून थे जो कहते थे कि हम महंगाई मुकाओ मार्च लेकर आए हैं, हमने रियासत की बजाय, हमने सियासत की बजाय रियासत को बचाया, एक्चुअली वो साइफर के कंटेंट्स लीक होने के बाद साबित हो गया है कि वो एक साजिश के तहत लाए गए थे, उन्होंने रियासत की जड़ें खोखली कर दी। आपके सामने ये इनके अपने आदाद व शुमार, यानी जो पिछली हुकूमत के अपने आदाद व शुमार शहबाज शरीफ के, जिस वक्त इमरान ख़ान साहब को हटाया गया, पीटीआई की हुकूमत ख़त्म की गई, उस वक्त हम 6.1% जीडीपी थी, और आज जब ये छोड़ने लगे एक साल बाद, उस वक्त इनके अपने आदाद व शुमार के मुताबिक 0.3% थी, और इनके आदाद व शुमार के मुताबिक आप ख़ुद माशाल्लाह साफ़ी हैं, जो कुछ सामने आपके है, जिस वक्त जो टोटल रिज़र्व थे $24 बिलियन के रिज़र्व थे और आज आपके $4 बिलियन के रिज़र्व हैं, उस वक्त पेट्रोल 150 रुपये पे था जब ये चीखते थे कि बहुत महंगाई हो गई है, और आज पेट्रोल जाते जाते ये 20 रुपये बढ़ा के और मौजूदा लोगों ने बढ़ा के उसको 300 रुपये पर ले गए हैं। वो कहते हैं महंगाई नहीं है, अब तो बहुत अच्छे हालात हो गए हैं। और फिर आप देखें जो इसहाक डार साहब ने आकर कहा था, जी मेरे डर और खौफ से डॉलर नीचे आना शुरू हो गया, मैं तो इसको 150 पे पता नहीं किस तरह पे लाऊंगा। खान साहब की हुकूमत में 170 से 178 के दरमियान फ्लक्चुएट करता था, इन्होंने आज 300 तक पहुंचा दिया, जब इनका आखिरी दौर था आज 320 पे भी नहीं मिल रहा। और सिमिलरली आप देख लें कि जो कानून और आईन का जो मिलिया मेट इन्होंने किया है, आज क्राइम रेट कहाँ पहुंच चुका है, बेरोज़गारी इनके बकौल उस वक्त थी 12%, आज ये खुद कहते हैं 38% को क्रॉस कर गई है, और स्पेशली जो गरीब आदमी की खाने की अशिया हैं, चीज़ें हैं, वो इस कदर महंगी हो चुकी हैं कि जिसका कोई एक गरीब आदमी को खाने का एक गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। और आपके सामने है आज हम जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं।